दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे मछली के बारे में, जिसकी सुंदरता को देखकर हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे बटरफ्लाई फिश के बारे में। तो इस मछली के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि वीडियो बना कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। बटरफ्लाई फिश जो पूरी दुनिया में इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के यहाँ पर पाए जाते हैं, और बटरफ्लाई फिश की टोटल 120 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार बटरफ्लाई फिश एक डायर्नल एनिमल है, मतलब वह प्राणी जो दिन में सक्रिय रहता है और रात को सोता है। और बटरफ्लाई फिश ज्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप को स्कूल कहते हैं। और बटरफ्लाई फिश एक सर्वाहारी प्राणी है जो ज्यादातर अलगाए, सीवीड, वर्म्स और जू प्लांकटन को कंज्यूम करते हैं। और समंदरों में बटरफ्लाई फिश का शिकार ज्यादातर लार्ज फिश, शार्क और ईल्स करते हैं। और इस मछली को बटरफ्लाई फिश इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस मछली के पास अट्रैक्टिव कलर और पैटर्न्स पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से अट्रैक्टिव कलर्स और पैटर्न हमें बटरफ्लाइज में भी पाए जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से इस मछली की संख्या भारी मात्रा में कम होती जा रही है क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से। और पूरी दुनिया में इस मछली को ज्यादातर पेट के तौर पर रखा जाता है क्योंकि यह मछली नॉर्मल पानी में भी रह सकती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस मछली की लंबाई तकरीबन 6 इंच तक हो सकती है, और यह मछली समुद्र में तकरीबन 5 साल तक की जी सकती है, लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो यह 10 साल से भी अधिक जी सकती है। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।